हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और आज का ब्लॉग थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है और अनबॉक्सिंग वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कूलर की अनबॉक्सिंग। तो आज अनबॉक्सिंग करेंगे और कूलर घर पर तैयार है। तो पहले हम सुबह सुबह कूलर लेके आए हैं और अब ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो शॉप वगैरह तो आपको पता ही है, कई मानते हैं कई वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं किया और घर पे आके अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और थोड़ी जानकारी आपको बताऊंगा। और बड़ा कूलर है जो घोड़ा टाइप बोलते हैं, तो वो वाला है, तो करेंगे अनबॉक्सिंग। तो सब कुछ रेडी तैयार है, घर पे आया हुआ है। तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आपको मैं दिखाऊँगा ये होने वाला है अनबॉक्सिंग कूलर ब्लॉग। तो चलो स्टार्ट कर लिया। तो सुबह ले आए थे हम, तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिए। तो सुबह दुकान शॉप से ले आए थे और अभी सीजन गर्मियों का चल रहा है तो जरूरत थी, तो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अनबॉक्सिंग करेंगे आज के, ये होने वाला है ब्लॉग अनबॉक्सिंग। अभी रेडी होंगे ब्लॉग बनाने के लिए और ये आप लोग देख रहे हो पीछे, तो यही है। तो इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तो फ्रंट कैमरे से मंडा ना, तो आपको थोड़ा कम दिखेगा। देखो इधर साइड देखो, और ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। ये बड़ा है काफ़ी, तो इसकी बात करेंगे और अंदर से खोल के आपको दिखाऊँगा ये वाला ताड़ी वो इधर से। तो अभी इसकी बात करेंगे और सुबह चला के भी देखा था, हवा भी तेज़ आती है, तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे इसकी अभी। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कैमरा वगैरह, फिर बाप से बात करेंगे अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और आज के ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ कूलर की अनबॉक्सिंग। और बड़ा हेवी कूलर है, तो उसको घोड़ा बोलते हैं। और कंपनी की बात करें तो सेंट्रल लिखा हुआ है और सामने दो बड़े बड़े रोटरी स्विच दिए हुए हैं, एक पंप वाला है, दूसरा फैन वाला है। और सामने का ये बड़ा फैन है, तो तेज़ हवा आती है और सामने से आप देख सकते हो फ्रंट साइज में, तो इतना है। तो नीचे से बात कर लेते हैं, तो ये आपको दिख रही है, ये पानी अंदर डालने के लिए है और ऊपर वाली पानी बाहर निकालने के लिए, ये इन है ये आउट है। सामने से आपको बड़ा फ्रेम दिख रहा है, हेवी कूलर है। और बात कर लेते हैं, और बिग पानी टैंक लगा हुआ है इसमें, तो काफ़ी पानी आ जाता है। और हेवी ड्यूटी लिखा हुआ है, तो ये बड़ा साइज है और इसमें मेन रेट दी हुई है, तो ये भी हेवी अच्छी क्वालिटी की है। साइड से बात कर लेते हैं अभी, साइड से ऐसे बड़ी जाली दी हुई है अंदर से। गाइस अभी मैं आपको अंदर खोल के दिखा रहा हूँ, और मोटर वगैरह जो पानी वाला पंप वगैरह, तो इसको ओपन कर लेते हैं साइड वाले। और इसमें हनी पूस लगे हुए हैं, ये देखो, और ये जाली वाला हनी पूस लगा हुआ है जो आपको ठंडी हवा देगा, और बड़ा साइज में है। अब इसके अंदर से बात कर लेते हैं, ये इसमें हेवी मोटर लगी हुई है, तो फैन की जो आपको तेज हवा देती है। और अंदर की बात करें तो पानी वाले डबल पंप लगे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो दो दो पंप लगे हुए हैं, और इसमें साइड में ऊपर भी लगे हुए हैं, और एक साल की गारंटी में आता है ये। और हवा भी इसकी तेज़ है काफ़ी, तो आप लोग देख सकते हो। और नीचे ये टैंक है, ये भी काफ़ी लॉन्ग है इसमें, और बिग टैंक तक पानी काफ़ी आ जाता है इसमें, और आप काफ़ी पानी डाल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने के लिए। हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं कूलर की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग तो हो ही चुकी है, तो ये गत्ता आया था तो मैंने वो बाहर निकाल के रख दिया, तो वो तो घर के अंदर ही पड़ा है, तो ये थोड़ा खुले एरिया में ले के आए हैं ना, तो साथ में गत्ता आता है, एक स्टैंड वगैरह आता है ये साथ में है। तो कूलर की कंपनी का बात करें तो सेंटर लिखा हुआ है, तो दो स्विच यहाँ पे रोटरी स्विच है, एक पंप वाला है, दूसरा फैन वाला है, और ये यहाँ पे मेन इसकी वायर है, देख सकते हो, और ये इसकी जाली वगैरह आ गई मेन। और नीचे की तरफ बात करें तो ये वाली है, ये पानी अंदर डालने के लिए है,
यानी इन पाइप है, इनलेट पाइप, और ये पानी निकालने के लिए है। अब निकालने वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और साइड से बात कर लेते हैं। तो बड़े जालीदार है, तो घोड़ा बोलते हैं इसको, और आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको अंदर से दिखा दूँगा। तो सेंट्रल लिखा हुआ है, सेंट्रल, और ये नॉन इसकी कंपनी है। और बाहर तो इस तरह है, और अब अंदर की बात करेंगे। अब मैंने एक साइड से इसको खोल दिया, ओपन कर लिया, और अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। और ये इसकी हैवी मोटर है, और इसका फैन है, और नीचे दो लगे हैं डबल पंप, पानी वाले पंप। और ये हैवी एनी पैड लगा है, एनी पैड वाला लगा है, तो डबल डबल इसमें पानी वाले लगे हुए हैं, और हनी फूस लगे हुए इसमें। और नीचे ये बिग टेंट लगा हुआ है, तो पानी के लिए बिग टैंक आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ से पानी अंदर आता है, और ये वाला पानी बाहर जाता है। जब हम पंप ऑन करेंगे ना, तो पंप उसको पानी ऑटोमेटिक यहाँ से उठा के बाहर भेज देगा, तो अपने आप खाली करेगा। और ये इसकी मोटर है, आप लोग देख सकते हो। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने के लिए, तो छोटी अनबॉक्सिंग होने वाली है, और वैसे बड़ा है दूर देखने में। आज के ब्लॉग में तो मैंने कूलर की अनबॉक्सिंग की है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, और बड़ा बड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मेन इसकी ये मोटर है, और काफ़ी हैवी है, और ये लोहे का इसका फैन लगा हुआ है, सीधा चक्री है। तो और दो नीचे पानी के पंप लगे हैं बड़े बड़े, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा कम दिखेगा ना, तो ये मैंने देखो आप दिख रहे हैं, तो बड़े पंप लगे हैं जो काफ़ी बड़ा है ना, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए। और बिग टैंक लगा हुआ है पानी के लिए, और काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है पानी, तो आपको एक बार भर लोगे ना फिर काफ़ी दिन चलेगा। तो आगे से फ्रंट साइड देख लीजिए आप, और यही इसमें पानी ये ऑन करने के लिए है, और दूसरा ये पंखे को ऑन करने के लिए, दोनों दिए हुए हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, फीचर वगैरह तो कुछ खास है नहीं। तो इसे में लाइट वगैरह दिया हुआ है, और लाइट कम पीते लो लाइट दिया हुआ है, और हेल्थ डी दिया हुआ है, इको फ्रेंडली दिया हुआ है, और कम लाइट पीता है। और एक बात और दी हुई है, और ये लॉन्ग टैंक दिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ है नहीं बस। और ये रीड है दिखाने के लिए, मैं रीड, तो बाकी साइज काफ़ी बड़ा है। रेट वगैरह की बात नहीं करेंगे हम, तो रेट वगैरह चक्कर पड़ जाते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे रेट बताऊँगा। आप दुकान पे पता करोगे, कोई ऑनलाइन पता करोगे, तो वहाँ पे आगे पीछे होगा। तो बाकी इसी का लिंक डाल दूँगा मैं, तो जितने में मैंने लिया ख़रीदा ना, उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। मुँह से नहीं बताऊँगा मैं अभी, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मोटर है सामने, और एक साल की इसकी होती है गारंटी होती है, तो मोटर वगैरह की इसकी होती है, और पंप वगैरह तो कम ही होती है, एक सीजन की होती है उसकी, तो इसकी होती है साल की। और हनी फूस लगा हुआ उसमें, तो ये भी काफ़ी जल्दी ख़राब नहीं होते। छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रखने वाले हैं, क्योंकि कूलर की अनबॉक्सिंग करी है, तो जो भी व्यूअर मेरे सब्सक्राइबर जो सर्च करके आएंगे, तो उनको थोड़ा जानकारी मिलेगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ेंगे फालतू। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, अभी एंड कर देंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो छोटा का चीज़ भी नहीं है। तो कूलर है, इसमें थोड़े से फीचर आपको बता दिए मैंने, तो कोई और डाउट है तो बता देना। तो बाकी ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ब्लॉग बनाता हूँ तो ब्लॉग टाइप बनाया मैंने, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। और साथ में बस एक गत्ता आता है तो अंदर पड़ा है वो, तो मैं इसको खुले में ले आया खींच के, तो इसके बड़े टायर है ना, तो आ जाता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे अनबॉक्सिंग ब्लॉग आते रहेंगे छोटे बड़े। तो जय हिंद जय भारत।